बस्ती का डॉन बताकर एक किराएदार युवक और उसके पिता से मारपीट कर 5,000 रुपए महीना हफ्ता मांगने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अजनी पुलिस ने 2 आरोपियों पर हफ्ता मांगने का मामला दर्ज किया था, पर इसमें से एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गौरव पंकज रगड़े उम्र 26 वर्ष उसके फरार साथी अर्जुन उर्फ चीनी की तलाश पुलिस कर रही है। आरोपियों ने पिता पुत्र की पिटाई कर बस्ती में आतंक मचाने की कोशिश की। आरोपियों से डर कर पीड़ितों ने उन्हें 500 रुपए भी दे दिए। घटना की शिकायत मिलने पर अजनी के थानेदार नितिन फटांगरे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार कुंजीलाल पेट में वर्मा के घर किराए पर रहने वाले संकेत जगदीश शंभरकर उम्र 19 वर्ष ने अजनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गत 20 जून को संकेत घर पर था। इस दौरान शाम करीब 5:30 बजे बस्ती निवासी आरोपी गौरव अपने दोस्त अर्जुन के साथ दीवार फांद कर घर में घुस आया और दरवाजे को लात मार कर उसे बाहर बुलाया। संकेत ने जब दरवाजा खोला तो दोनों आरोपी उसके घर में घुसकर आतंक मचाने लगे। संकेत के पिता से धक्का मुक्की भी की और संकेत से मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने कहा कि तू यहाँ कैसे रहने आया, मैं यहाँ का डॉन हूँ, यहाँ रहना है तो 5,000 रुपए महीना देना होगा। अर्जुन ने चाकू निकाल कर संकेत को जान से मारने की धमकी भी दी। तब घबरा कर संकेत ने उन्हें 500 रुपए दे दिए। आरोपी पिता पुत्र को धमकी देकर वे दोनों वहां से चले गए। अजनी पुलिस स्टेशन हद्दीतील कुंजीलाल पेट या परिसरामध्ये फिर्यादी शंभरकर यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की शंभरकर हा एक कॅफेमध्ये काम करतो आणि तो 15 दिवसापूर्वीच त्या ठिकाणी त्या कुंजीलाल पेट परिसरात राहण्यास आलेला आहे। तर त्याच परिसरात राहणारा गौरव रगडे जो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे ज्याच्याविरुद्ध शरीराविरुद्धचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत, त्याने पहाटे 5:30 वाजेच्या सुमारास त्याच्या घरात घुसून त्याला तुला या परिसरात राहायचं असेल तर आम्हाला 5,000 रुपये दर महिन्याला द्यावे लागतील असे म्हणून त्याच्या घरात त्याचा घराचा दरवाजा तोडून आतमध्ये घुसून त्याच्या कुटुंबियांच्या समक्ष त्याला मारहाण केली आणि त्याने पैसे देण्यास नकार दिला म्हणून त्याच्या खिशातून 500 रुपये एवढी रक्कम जबरीने तो घेऊन गेला। अशा आशयाची त्याने तक्रार दिल्याने आम्ही जी खंडणीपोटी जे 500 रुपये त्याने नेले त्या आधारावर त्याच्याविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्या मुख्य आरोपी गौरव रगडे यास पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आहे। त्याचा जो साथीदार आहे अर्जुन उर्पच्छिनी हा सध्या फरार आहे, परंतु त्याला आम्ही ताब्यात घेत आहोत आणि त्याला कोर्टासमोर हजर केला असता त्याचा PCR घेण्यात आला आहे। पुढील तपास सुरू आहे। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों का बस्ती में आतंक है। जब भी किसी नए किराएदार को देखते हैं तब उसे धमकी देकर अवैध वसूली करते हैं। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड होने से कुछ लोग डर के कारण इनके खिलाफ शिकायत नहीं करते। आरोपियों के जाने के बाद संकेत ने अजनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन की, उसके बाद गौरव को धर दबोचा। थानेदार के अनुसार गौरव रगड़े पुराना अपराधी है, जब वो नाबालिग था तभी से इसके खिलाफ कोतवाली थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज है। इसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज है। फरार आरोपी पर चोरी का मामला दर्ज है। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।